टॉपिक हमारा नरेशन में रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब इन सेंटेंसेस को किस में चेंज करना होगा? जैसे हमने कहा रिपोर्ट, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें रिपोर्टेड स्पीच से पता चलता है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमें, जैसे हमने बोला ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सीधा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर दिया, या ये हमारे डू नॉट से शुरू हो सकते हैं। तो आज हम ये डू और डू से शुरू होने वाले, डू नॉट से शुरू होने वाले ये सेंटेंसेस हम आज करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि पहले, सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें चेंज कौन कौन से रहेंगे। इसमें देखिए, पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होगा। हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ से देखिए, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है, सब्जेक्ट हमारा यू ही होता है हमेशा, लेकिन वो हिडन होता है, ठीक है। हिडन में ही हमें देखना है, यहाँ पे कोई यहाँ मेंशन नहीं है। देखिए, कोई भी कमांड रिक्वेस्ट जब किससे करेंगे हम, सामने वाला हमारा जो लिसनर होगा वो यू रहता है, उसी से हम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा कि सब्जेक्ट हमारा हिडन होगा, यू होगा। फिर या तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट से शुरू होगा, इसमें डज नॉट नहीं आता, इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगी। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी कि वी वन विदाउट, जो प्लूरल वर्ब रहती है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये इससे हमें ये पता लग गया कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है, वी वन से शुरू होने वाला है, ये हो गया हमारा इंपेरेटिव। दूसरा इसमें क्या रहता है कि या क्या क्या छुपा हुआ हो सकता है, कंसेप्ट क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, ये वाली, इसे हम कैसे चेंज करेंगे। अगर ये हमारी प्रेजेंट में होती है तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसे चेंज कर देंगे। हमारे पास सेज, सैड, इस तरह से रहती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब हम चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या ये ऑर्डर है, क्या ये रिक्वेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है। वो किस किस में चेंज हो सकता है, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, या कोई इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्टेड। और अगर ये सेज यानी अगर प्रेजेंट में है, प्लूरल में है, तो विदाउट एस कर दीजिए। अगर ये सिंगुलर में है तो इसको एस लगा के कर दीजिए, जैसे कि हमने लिखा ऑर्डर, ऑर्डर्स, तो ये तो हमारा सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हो गया और प्रेजेंट टेंस की हो गई। अगर हमारी ये सब पास्ट में, बाकी हमने पास्ट में ही बनाई है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, या फिर आस्क भी हो सकता है, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब कहना भी होता है, उसने मुझसे कहा, ठीक है। बैग्ड, बैग्ड का मतलब जैसे किसी चीज़ के लिए मांगना, वैसे अगर किसी बैगर्स के लिए आ जाए तो बैग्ड ही वर्ड यूज़ करोगे आप, कुछ और यूज़ नहीं करोगे। अदरवाइज बैग का मतलब मांगना भी होता है, किसी चीज़ के लिए कहना। टॉल्ड भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली रहेगा। अगर टेंस वो टेल है, टेल्स में वैसे आप चेंज कर देंगे। वार्निंग है तो वॉर्न कर दीजिए, एडवाइज्ड, सजेस्टेड। और एम्प्लॉयड का मतलब भी होता है, जैसे कोई प्रे करके कोई चीज़ के लिए विनती करना, जैसे कह सकते हो। एंट्रेडेड किसी चीज़, फिर वही अगेन किसी वस्तु के मांगने के लिए ही हम कहते हैं। थ्रेट मतलब धमकी देना। कमांड जैसे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, सोल्जर्स को कमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कमांडर जो है कमांड करता है, कमांडेड हो जाएगा। इंस्ट्रक्टेड जैसा कि किसी को निर्देश देना है, ठीक है। तो इस तरह के हमें जैसा सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जैसा भी कंसेप्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे। अब इसमें हमारा इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए, जैसा कि हमें एक लिंक वर्ड चाहिए होता है, तो अगर हमारा जो सेंटेंस है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव के अंदर हमें क्या कर देना है, लिंक वर्ड हम टू को यहाँ से इन दोनों क्लोज को जोड़ देंगे। और अगर हमारा वो नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव में हमारे पास एक तो होता है नॉट टू, और दूसरा अगर हम उस सेंटेंस में समझेंगे कि कब हम नॉट टू नहीं लगाते, क्योंकि अगर हमने इनमें एक हमारे पास फॉरवर्ड होता है अगर वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो अगर हमने फॉरवर्ड यूज़ कर दिया, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो अगर हमने फॉरवर्ड वर्ड यूज़ कर दिया तो हम इसे टू से कनेक्ट करेंगे, तब हमारा नॉट टू नहीं आएगा। एग्जाम्पल में हम इसे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखो, अभी हमने इसमें यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही लिखे हैं। ही सैड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, उसने फ्रेंड से कहा वर्क हार्ड। अब एक फ्रेंड है, अब एक फ्रेंड देखिए दूसरे फ्रेंड को क्या कोई ऑर्डर थोड़ी देगा, वो तो उसे एडवाइस करेगा। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हम क्या लिख सकते हैं, ही एडवाइज्ड, ठीक है, क्योंकि सैड टू है तो एडवाइज्ड पास्ट में ही रहेगा। ही एडवाइज किसको एडवाइस किया उसने, हिज फ्रेंड।
अपने फ्रेंड को क्या एडवाइस किया? टू वर्क हार्ड. तो हमने इसे टू से कनेक्ट कर दिया, टू वर्क हार्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा. यहाँ पे तो प्लीज़ आ गया. अब प्लीज़ को हटा देना है. प्लीज़ भी हो सकता है, काइंडली भी हो सकता है, दोनों वर्ड को रिमूव कर देना है और ऐसे सेंटेंसेस को रिक्वेस्टेड से कनेक्ट करना है, मतलब रिक्वेस्टेड बना देना है सैड टू को. तो सबसे पहले ये तो क्लियर ही है कि प्लीज़ है, तो यहाँ पे कर दीजिए ही रिक्वेस्टेड. किससे रिक्वेस्ट की? मी. अब क्या प्लीज़ को हटा दीजिए, उसके बाद क्या कह रहा है? Bring me a glass of water. तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो टू से कनेक्ट करेंगे. अब हमें ये जो वर्ब देखिए, हमने हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द जो वर्ब रहती है टू के साथ भी वही आती है, तो हमने यहाँ पे टू ब्रिंग. अब ये जो मी है प्रोनाउन, जैसे कि बाकी सब में हमने चेंज किए थे, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेम रूल रहेगा. मी है, मी हमारा जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा ही का, हिम. तो यहाँ लिखिए ब्रिंग हिम क्या अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टे अवे फ्रॉम द फेंस बॉयज, सैड द टीचर. अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिख रही है कि एक तो जो ये जो रिपोर्टिंग हमारा जो पार्ट है वर्ब वाला, वो हमारा बाद में आया है. ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ये मिडिल में भी हो सकता है. प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि बीच में एक सेंटेंस आकर उसके बाद भी हो सकता है, तो कहीं भी आ सकता है. इसे हमें शुरू में लेके आना है. सेकंड, आप देखिए कि ये बात जो है वो किससे कही जा रही है, ये बॉयज से कही जा रही है. इसका मतलब ये नाउन जो आया है ये वोकेटिव केस का है, और ये जो वोकेटिव केस का नाउन है इस सैड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इस वर्ब को वर्ब के एक ऑब्जेक्ट बना देंगे हम इसे, जैसे कि द टीचर. आप इसे ये पढ़िए, द टीचर सैड टू द बॉयज, बॉयज़ को कहा. तो हम वो कह रहे हैं स्टे अवे फ्रॉम द फेंस बॉयज. तो ये देखिए, एक तो ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि एक टीचर ऑर्डर दे सकता है, एडवाइस कर सकता है अकॉर्डिंगली आपके पास जैसा भी ऑप्शन रहे, और इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि द टीचर इंस्ट्रक्टेड किसको, द बॉयज, क्या इंस्ट्रक्ट किया, स्टे अवे फ्रॉम द फेंस. टू से जोड़ दीजिए, सेम वैसा ही लिख दीजिए, टू स्टे अवे. नेक्स्ट देखो, द टीचर सैड सिट डाउन बॉयज. अगेन यहाँ पे जो है वो आपका वोकेटिव केस का आ गया, तो हम क्या करेंगे, द टीचर किसको कहा, टीचर ने सिट डाउन ऑर्डर दिया, द टीचर ऑर्डर द बॉयज. इसे वोकेटिव केस वाले को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑर्डर द बॉयज क्या, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days. यहाँ पे देखो, आप प्रिंसिपल से कहा जा रहा है और सर कह के उन्होंने, सर या मैम इस तरह से कुछ आ जाता है, सर मैडम मैम इस तरह से कोई वर्ड आ जाता है, तो हमें यहाँ पे एक रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज़ करना है. तो हम किस तरह से बनाएंगे, सैड टू को चेंज कर दीजिए यहाँ पे, दैट क्योंकि रिक्वेस्ट ही होती है टीचर से या प्रिंसिपल से, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड किससे रिक्वेस्ट किया, द प्रिंसिपल, क्या रिक्वेस्ट किया. हम आकर चेंज कर लेते हैं, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल. अब यहाँ पे क्योंकि सर वर्ड को हमें हटा देना है और हमें क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली क्या कहा. प्लीज़ को भी हटा दीजिए, क्योंकि हमने प्लीज़ की जगह, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी किया, रिक्वेस्टेड कर दिया, सर के जगह हमने रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज़ कर लिया. अब आगे यहाँ टू से कनेक्ट करके, टू के जस्ट बाद आपको एक वर्ब चाहिए. देखिए, टू के बाद आपको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए थी, तो यहाँ से कीजिए टू ग्रैंट. अब ये जो मी है इसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, द स्टूडेंट ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ, तो ग्रैंट हिम हो जाएगा.
ग्रांट हिम क्या लीव फॉर 5 days. ठीक है, इसमें क्या है कि कई बार जब हमें नहीं पता लगता है तो हम एक्चुअल में हम अगर मान लीजिए हिंदी में भी बोलते हैं तो सभी के लिए एक मैन बोलते हैं, मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज मॉर्टल नहीं बोला जाता, मैन इज मॉर्टल. ठीक है, तो उसी सेंस में हम यहाँ पे हिम लिख रहे हैं, हिम मी की जगह पर हमारा हिम. और अगर आपके पास ऑप्शन में हिम हर कुछ भी आ जाता है तो आप हिम और हर ऑब्लिक में भी आ जाता है कई बार, तो आप वो भी सही कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, में देखा था, अब हम नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे चेंज होगा. देखो, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाते हैं, वी वन से शुरू होने वाला था तो डू नॉट से हमारा नेगेटिव बन जाएगा. तो ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस जैसे डू नॉट रन हमारा डू नॉट के साथ आया और उसके जस्ट बाद में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. जैसे हम अगर असर्टिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं मान लीजिए, तो हमारा डू यू सब्जेक्ट आता है. ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है. तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है. अब इसे कैसे चेंज करना है, यहाँ पे डू नॉट है, इस डू नॉट रन ऑन द रोड मतलब यहाँ पे हमें एडवाइस किया जा रहा है. तो मान लो यहाँ पे हमने कहा कि ही एडवाइज्ड मी, क्या डू नॉट को यहाँ से डू को हटा दीजिए और नॉट टू से कनेक्ट कीजिए, ही एडवाइज मी नॉट टू रन ऑन द रोड. और दूसरा तरीका इसका क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप फॉरबेड भी लगा सकते हैं, हम इसे फॉरबेड से बना लेते हैं. ही सैड टू को देखिए यहाँ हमने चेंज कर दिया, ही फॉरबेड मी, किससे फॉरबेड किया उसने, बाहर जाने से मना किया. फॉरबेड का मतलब होता है मना करना. अब जब मना ही कर दिया तो वो तो नेगेटिव पहले से ही हो गया, अब इन दोनों को आप रिमूव कर दीजिए. अब यहाँ क्या करना है, ही फॉरबेड मी टू गो आउट. हम यहाँ नॉट टू से कनेक्ट कर रहे थे जिसमें से हमने नॉट को रिमूव कर दिया और टू को रहने दिया. ठीक है, तो मना किया कहाँ क्या करने से, बाहर जाने से. इस सेंटेंस में देखो, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट से कहा टीचर ने क्या, नेवर वेस्ट टाइम. अब देखो डू नॉट की जगह वर्ड क्या यूज़ हो गया, नेवर है तो ये भी नेगेटिव. अब इसको भी वैसा ही हम कर देंगे, टीचर ने कहा है तो टीचर एडवाइस करता है क्योंकि वेस्ट टाइम में कोई ऑर्डर तो है नहीं. तो हम यूँ कर सकते हैं कि द टीचर एडवाइज्ड किसको, द स्टूडेंट्स, और क्या एडवाइस किया, नेवर. हम नोट की जगह यहाँ पे नेवर है तो नेवर ही वर्ड यूज़ करेंगे, नेवर और फिर टू वेस्ट. क्या योर टाइम है तो इसको हम किसके, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है. योर क्या है, योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के चेंज होता है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट का, द स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं हमारे. ठीक है, तो यहाँ पे देयर आ जाएगा. ठीक है, कौन सा, देयर टाइम, और देयर कौन सा, टी एच ई आई आर वाला देयर, देयर टाइम. ठीक है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं टी एच ई आर ई देयर में और इसमें. तो इसमें इसके बाद आपको एक नाउन चाहिए क्योंकि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एक आपको नाउन चाहिए. देयर जो है वो टी एच ई आर ई वाला देयर जो है वो एडवर्ब है. ठीक है, वो प्लेस को बताता है, तो आपको ये ध्यान रखना है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें और कौन से सेंटेंसेज हो सकते हैं. सेंटेंसेज में देखो कि क्या डिफरेंस है, यहाँ पे है ही सैड टू मी डू रीड द गीता. देखो नॉर्मली सेंटेंस में हमने क्या किया, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसे वी वन से शुरू किया, नेगेटिव है तो डू नॉट लगा दिया. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, तो इसका मतलब ये जो डू है इसमें क्या है कि वो एक जोर देके एम्फेसाइज करके बता रहा है कि गीता को पढ़ना ही चाहिए उस सेंस में. तो हमें इस सैड टू को क्या कर देना है यहाँ पे कि ही, अब देखो यहाँ पे आस्क्ड भी हो सकता है कि उसने उसे कहा. ठीक है, या फिर ही एडवाइज्ड हिम मी, ही एडवाइज्ड मी. अब इसे ड्रॉप कर दीजिए जब ये सिर्फ एम्फेसिस के लिए आया है, तो इसको इतना ही पढ़िए टू रीड द गीता. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही सैड टू मी, अगेन ऐसा ही सेंटेंस है, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. जैसे कोई आया है घर में तो एक तो हम जनरली बोल रहे हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, और एक हम कहें नहीं नहीं कॉफ़ी तो पी के ही जाइए. तो ये जो है एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है. तो ही सैड टू मी, यहाँ पे ये शी है, शी यहाँ रिक्वेस्ट हो सकती है, रिक्वेस्टेड मी, डू को ड्रॉप कर दीजिए.
ये हैव जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है, तो टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ओके नेक्स्ट में देखो, फिर डिफरेंस आ जाता है। द टीचर सेड टू द बॉयज डू वट एवर यू लाइक। अब ये जो डू आया है ये आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, उसके बाद आपको कोई वर्ब नहीं दिख रही है यहाँ पर, ये एम्फेसाइज करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे टीचर ने उनसे कहा कि जो तुम चाहो वो कर लो, तुम्हारी इच्छा हो वो करो, तो यहाँ पे या एडवाइस भी हो सकता है या सीधा आस भी आप कर सकते हो। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, या आप यहाँ पे आस्क्ड भी कर सकते हो सीधा, क्या टू डू वट एवर, इसे चेंज कीजिए यू को द बॉयज के अकॉर्डिंग वट एवर। अब बॉयज बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वट एवर दे, और लाइक को चेंज कर दिए, वी वन चेंज इन टू वी टू लाइक्ड। नेक्स्ट है योर फादर सेड टू यू डू योर वर्क इन टाइम, एडवाइज है यहाँ पर तो एडवाइज कर दीजिए। तो योर फादर एडवाइज्ड यू, अब क्योंकि ये भी यहाँ पे मेन वर्ब है तो टू क्या चीज, टू डू क्या, योर होम योर वर्क है तो यू के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, मतलब यहाँ पे पॉजेसिव जो है योर वर्क ही रहेगा और इन टाइम। होप आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियोस पसंद आ